हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में TTL NAND गेट विद टोटम पोल आउटपुट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। TTL का मतलब क्या होता है, NAND गेट हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसमें, और टोटम पोल अरेंजमेंट क्या होती है प्रॉपरली, मैं आज आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। TTL को हम ट्रांजिस्टर लॉजिक कहते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लॉजिक को मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे ट्रांजिस्टर लॉजिक कहते हैं। और ये कंसिस्ट करता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब मैं आपको इसका सर्किट एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो सर्किट है, ये जो पार्ट है इस सर्किट में, ये पार्ट ये एंड गेट की तरह वर्क करता है, और ये जो पार्ट है ये नैंड गेट की तरह वर्क करता है। Q1 का जो आउटपुट होगा, जो कलेक्टर साइड से Q1 का आउटपुट आता है, वो Q2 इन्वर्ट कर देता है, मतलब एज एन इन्वर्टर ये वर्क करता है। ये NAND गेट की तरह वर्क करता है एज एन इन्वर्टर। अब मैं आपको इसको प्रॉपर इनपुट देके बताती हूँ कि एक्चुअल वर्किंग इसमें हो क्या रही है। इसमें जो हमारे A और B हैं, A और B यहाँ जो गिवन है एज एन इनपुट, ये एमीटर्स हैं जो इनपुट को शो करते हैं, A और B। अब यहाँ पे हम अप टू 8 एमिटर्स का यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि ये एंड गेट है तो हम इसमें अप टू 8 एमिटर्स का यूज़ करते हैं कर सकते हैं। ये एमिटर्स हैं जो कि इनपुट हमने शो जो इनपुट शो करेंगे, ये एमिटर्स हैं दोनों ए और बी। Q1 जो है वो वर्क करता है एंड गेट की तरह जैसे मैंने बताया, और जो आउटपुट होती है Q1 की वो इन्वर्ट कर देता है Q2, सो इट वर्क्स एज नैंड गेट। ये जो सर्किट है ये फास्ट, इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू यूज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ जब हम ए बी पर इनपुट हाई देते हैं, मतलब इनपुट 1-1 देते हैं, तब हमारा जो Q1 ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करता है। Q1 हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके जो कलेक्टर साइड पर डायोड होता है, इसके कलेक्टर साइड पर एक डायोड होता है जो कि हमने शो नहीं करा है, पर इसके कलेक्टर साइड पर जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, और उसके फॉरवर्ड बायस्ड होने की वजह से जो हमारा Q2 है वो कंडक्शन मोड में आ जाता है। Q2 के कंडक्शन मोड में आने के दो रीज़न हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो डायोड है, Q1 के कलेक्टर साइड पे जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया है। दूसरा कि प्लस VCC सप्लाई आ रही है, इस वजह से भी ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे जो R4 है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप अकर होगा, ठीक है। अब जब करंट फ्लो करेगा, करंट इसमें कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया Q2 में, अब करंट क्या करेगा, वो फ्लो करेगा Q4 के बेस में भी, मतलब Q4 भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसमें सैचुरेशन कंडीशन में होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो टोटली ग्राउंड में जाएगा, तो मतलब इस आउटपुट में कोई करंट शो नहीं होगा। जब हमारा मतलब ये है कि जब 1-1 इनपुट हम देंगे तो हमारा आउटपुट 0 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो करंट है वो ग्राउंड में जा रहा है। इसका मतलब जो Q4 है हमारा वो सैचुरेशन कंडीशन में है। Q4 से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब Q4 से जो भी करंट Q4 में आ रहा था वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड में जा रहा है। तो कोई भी आउटपुट ये शो नहीं करेगा, या आउटपुट 0 शो करेगा, ये हाई शो नहीं करेगा, ये लो आउटपुट शो करेगा, क्योंकि जो टोटल करंट है वो ग्राउंड में जा रहा है। तो ये कोई भी मतलब ये हाई आउटपुट शो नहीं करेगा, ये 0 शो करेगा। अब अगर हम इनपुट देते हैं 0-0, अगर हम इनपुट 0-0 देंगे तब क्या होगा, इफ़ द इनपुट इज 0-0 देन द ट्रांजिस्टर Q1 हैज़ वोल्टेज 0.7 वोल्ट। अगर इनपुट हम 0-0 देंगे तो जो ट्रांजिस्टर Q1 है उसमें 0.7 वोल्ट होगी, और Q2 जो है वो कट ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है बेस वोल्टेज वो रिड्यूस हो जाएगी, तो Q2 कट ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। इसका मतलब Q4 भी कट ऑफ कंडीशन में हो गया। क्यों? क्योंकि टोटल करंट तो इसी से फ्लो हो रहा था इसके बेस में, तो Q4 भी कट ऑफ कंडीशन में हो गया, Q2 तो ऑलरेडी कट ऑफ कंडीशन में है ही। R2 और R4 से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन Q3 में करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ VCC, प्लस VCC सप्लाई की वजह से Q3 के बेस में करंट जाएगा, और Q3 हमें आउटपुट देगा। Q3 कैसे आउटपुट देगा? अपने डायोड के अक्रॉस हमें हाई आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं लगा हुआ, तो ये टोटल जो आउटपुट देगा वो हाई देगा। अब Q3 क्या कर रहा है, इसका मतलब Q3 ये एमिटर फॉलोवर की तरह वर्क कर रहा है, और जो डायोड D1 है वो यूज़ किया जा रहा है, डायोड D1 इज़ यूज्ड सो दैट Q3 विल कंडक्ट जेंटली और प्रॉपरली।
डायोड D1 का काम यहाँ पे सिर्फ यही है कि जो Q3 है वो प्रॉपरली और जेंटली कंडक्ट करे, इसलिए हमने डायोड D1 को लगाया हुआ है। Q3 की वजह से हमारी जो आउटपुट आएगी वो हाई आएगी, मतलब आउटपुट हमारी 1 हो जाएगी। Q4 की वजह से हमारी जो आउटपुट आ रही थी वो 0 आ रही थी, लो आ रही थी, क्योंकि जो टोटल करंट है वो डायरेक्ट ग्राउंड में जा रहा था। R2 और R4 इस केस में जब 0-0 हमारा इनपुट होगा, R2 और R4 में कोई करंट पास नहीं होगा, Q2 भी कट ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, Q4 भी कट ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि बेस वोल्टेज इसकी रिड्यूस हो गई है, लेकिन सिर्फ Q3 कंडक्ट करेगा बिकॉज ऑफ प्लस VCC सप्लाई। बेस पे इसका करंट जाएगा, बेस पे करंट जाएगा और ये कंडक्ट करेगा। डायोड का काम सिर्फ इतना है कि Q3 जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट करे, जेंटली और प्रॉपरली कंडक्ट करे और प्रॉपर हाई आउटपुट दे, बस इतना काम है डायोड का। एट लास्ट आपको बताती हूँ कि TTL कैसी आउटपुट जनरेट करता है। TTL लो आउटपुट इम्पिडेंस जनरेट करता है। जब Q3 कंडक्ट करेगा तो जो आउटपुट इम्पिडेंस आएगी वो 70 ओम आएगी, और जब Q4 कंडक्ट करेगा, Q4 मतलब सैचुरेशन कंडक्टिंग स्टेट में, तो जो आउटपुट इम्पिडेंस आएगी हमारी वो 12 ओम आएगी, ठीक है। और ये NAND गेट से मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको कि कैसे हो रहा है। जैसे हमने अभी समझा कि जब हम 1-1 दे रहे थे तो हमारी आउटपुट जो थी वो 0 आ रही थी, मतलब लो आ रही थी, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्टेट में था तब, और जो टोटल करंट था वो ग्राउंड में जा रहा था। और जब हम 0-0 दे रहे थे, ए और बी इनपुट जब हम 0-0 दे रहे थे, तो जो हमारी आउटपुट थी वो 1 थी, मतलब हाई थी, इसका मतलब Q3 कंडक्टिंग स्टेट में था। सेम एज लाइक NAND गेट, जब हम ए और बी इनपुट 0-0 देते हैं तो 1 आएगी, और जब इनपुट हाई देंगे तो 0 आएगी। Q3 कंडक्टिंग स्टेट में था जब हमारी इनपुट जो थी वो लो थी, 0-0 थी, Q3 डायरेक्ट कंडक्ट कर रहा था। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक की NAND गेट का, विद टोटम पोल अरेंजमेंट। ये टोटम पोल अरेंजमेंट होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको TTL NAND गेट विद टोटम पोल आउटपुट एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपरली विद सर्किट्री, और कैसे हम जब इनपुट हाई दे रहे हैं तो आउटपुट लो हो रही है, और जब हम इनपुट लो दे रहे हैं तो कैसे आउटपुट हाई हो रही है, ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको कोई भी लेक्चर वीडियो आगे चाहिए अपनी तरफ से, कोई भी टॉपिक अगर आपको बताना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।